जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, लाडलू लाडलू, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमांडो किड में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, मैं बता दूं इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने रहने वाले हैं या जो बिंदुओं पे हम बात करेंगे इस वीडियो में, वो है एक तो SSGD का एडमिट कार्ड किस डेट को आएगा, मेडिकल पॉइंट देने पर क्या करें। बहुत सारे बच्चे अभी से घबरा रहे हैं, सर हमको अगर मेडिकल पॉइंट दे दिया तो फिर हमको क्या करना है, उस समय कैसे उससे डील करें वापस। अगला जो पॉइंट है, क्या रिमेडिकल उसी दिन होगा, क्या बीमारी का इलाज अभी करा ले। बहुत सारे बच्चों के अलग अलग टाइप की बीमारियां हैं तो वो बोल रहे हैं सर अभी 15-20 दिन बचे, हम इलाज कराए या ना कराए, इसका भी जवाब दूंगा मैं। ऑपरेशन हो रखा, अगर मान लीजिए आपके किसी भी पार्ट का ऑपरेशन हो रखा है तब आपको क्या करना चाहिए। अगर कोई लड़की है उसके पेट में बच्चा है, इस समय अगर वो प्रेग्नेंट है उसे क्या करना चाहिए, और विशेष ध्यान देने वाली बातें। लाडलो SSGD की जो भी बच्चे फिजिकल क्वालिफाई हो रखे हैं, अब उनका मेडिकल आप सभी को पता है जुलाई की सेकेंड वीक डेट दे रखी है। अभी एक दो वीडियो भी आपने देखे होंगे जो बता रहे हैं कि हो सकता है इसमें पोस्ट इंक्रीज हो सकता है कि हो। वैसे जो आपका सेकेंड वीक है, सेकेंड वीक जो जुलाई का है उससे आपके मेडिकल शुरू होने वाले हैं। तो एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा, अगर जुलाई के 15 जुलाई से अगर आपका फिजिकल शुरू होगा, मेडिकल शुरू होगा जिस हिसाब से नोटिफिकेशन डाल रखी है SSGD ने, तो अगर उस हिसाब से देखे तो आपके 5 जुलाई को आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। ठीक है, ये लास्ट डेट है ध्यान रखना। अगर इस तक नहीं आते एडमिट कार्ड तो इसका मतलब आपका 15 जुलाई का मेडिकल नहीं होगा। ठीक है, दूसरी बात है मेडिकल पॉइंट देने पर क्या करें। सबसे बड़ी समस्या एक तो किस किस में हमको मेडिकल पॉइंट मिलेगा, एक मेडिकल पॉइंट देने पर हमें क्या करना चाहिए सर, इसके बारे में देखिए। आपको मेडिकल पॉइंट आपको खुद को पता है कि नहीं आपकी जो बीमारी है वो जेन्युइन है। अगर कोई भी मान लीजिए आपकी बीमारी है या जो भी प्रॉब्लम है वो जेन्युइन है कि हाँ वास्तविक मेरे को ये प्रॉब्लम है तभी मेरे को इसमें मेडिकल पॉइंट मिला है, तब तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। क्यों, प्रॉब्लम है वो तो है, तो उस समय तो आप सिर्फ रीमेडिकल करा सकते हैं। और हाँ आगे जाके रीमेडिकल में आप चैलेंज भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके वास्तविक में प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने मेडिकल पॉइंट दे दिया, रीमेडिकल में आपको बाहर कर दिया, तब भी आप कोर्ट में उसके खिलाफ पिटीशन फाइल कर सकते हैं और उस पर कोर्ट केस कर सकते हैं अगर आपके वो प्रॉब्लम नहीं है तो। दूसरा कि आपके बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, मान के चलिए कि आपको जो पॉइंट दिया है तो अगर प्रॉब्लम नहीं है तो वो रीमेडिकल में आपके टूट जाएगा। अगर रीमेडिकल में नहीं टूटता है, अगर वो पॉइंट रीमेडिकल में नहीं टूटता है तो फिर बाहर किसी हॉस्पिटल में चेक कराते हो और वो हॉस्पिटल वाला दावा करता है कि नहीं तुम बिल्कुल फिट हो, आपको गलत रूप से रिमेडिकल में बाहर निकाला गया है, तब भी आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं, पिटीशन फाइल कर सकते हैं, कोर्ट केस लड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि जिस चीज में आपको मेडिकल पॉइंट मिला है, मान के चलिए आपको नौकरी का मिला या जो भी मिला है, तो वापस आपका दोबारा जब मेडिकल होगा, देखो जैसे अगली लाइन की क्या रिमेडिकल उसी दिन होगा, तो हाँ अब इस बार ऐसा कर दिया कि रिमेडिकल उसी दिन कर लिया जाता है या अगले 24 घंटे में कर लिया जाता है। तो अगर कोई बीमारी है आपको तो उसका तो आप इलाज करा ही नहीं सकते 24 घंटे में, तो क्या कर सकते हैं भाई, जितना हो सकता है कोशिश कर सकते हैं, उसके लिए अच्छी एडवाइस ले सकते हैं कि मुझे इसमें पॉइंट मिला है अब मुझे वापस कैसे चेक कराना चाहिए, या किसी डॉक्टर से सलाह कर सकते हैं। ठीक है, क्या बीमारी का इलाज करा ले। अब बहुत सारे बच्चों को अलग अलग प्रकार की बीमारी है, जैसे उदाहरण के लिए कहीं कई पाइल्स बवासीर वाले भी बच्चे मैंने देखे हैं, मेडिकल कराने बीपी अकेडमी में काफी बच्चे आ रहे हैं तो उनके देखे उसी आधार पे मैं बता रहा हूं। तो इलाज इस समय कराना, कोई ऐसा इलाज कि जिसमें लगभग मान लीजिए 20 दिन का समय लगे या 30 दिन का समय लगे, तो वो तो उचित नहीं है, वो तो उचित नहीं है, 20-30 दिन का समय वाला काम उचित नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। अगर कोई ऐसा इलाज हो जो कि 1 से 2 दिन या 3 दिन या मैक्सिमम 5 दिन के अंदर ठीक हो जाए तो वो इलाज आप अभी करा सकते हैं, क्योंकि 5 दिन में आपका मेडिकल नहीं है, इससे ज्यादा नहीं। अब आपका ऑपरेशन हो रखा है, मान लीजिए किसी भी पार्ट का आपका ऑपरेशन हो रखा है, तो उसमें क्या करें। देखिए ऑपरेशन डिपेंड करता है कि किस चीज का हुआ। अगर कोई आपको बचपन में मान लो कोई इसका ऑपरेशन हुआ, स्टोन का हुआ है, जैसे पथरी हो गई, या कोई छोटा मोटा कोई हाथ का ऑपरेशन हुआ, या कोई पुराने समय में आपके कुछ फ्रैक्चर हो गया था उसका भी ऑपरेशन हुआ, तो अभी वो ठीक हो गया तो कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, उसको ऑपरेशन के मार्क से बाहर कोई नहीं करेगा। डिपेंड करता है कि जो आपका ऑपरेशन हुआ कोई ऐसा पार्ट का हो जिसकी वजह से फ्यूचर में भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको, तो उस कंडीशन में आपको बाहर कर दिया जाएगा।
तो अगर कोई ऐसा ऑपरेशन हो जो बचपन में हुआ हो या पहले कभी हुआ हो जिसकी वजह से अभी शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसमें आप पास हो जाओगे, ठीक है। स्पेशली कोई हड्डी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, कोई हड्डी फ्रैक्चर नहीं होनी चाहिए, कोई हड्डी में राड़ वाड़ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेट में बच्चा, अगर मान लीजिए कोई लड़की प्रेग्नेंट है इस समय और उसके मेडिकल की डेट आ जाती है, वो अपनी डेट को वहां जिस डेट की उसकी रिपोर्टिंग आती है, मान लीजिए जिस डेट की उसकी रिपोर्ट है उसी दिन रिपोर्टिंग करके और अपनी डेट चेंज करा सकती है और बच्चा होने के अगले 6 महीने बाद की डेट ले सकती है। मान के चलिए अभी उसके पेट में 3 महीने का बच्चा है तो 6 महीने बाद में उसकी डिलीवरी हो जाएगी, उसके 6 महीने बाद में वो वापस मेडिकल करा सकती है। विशेष ध्यान देने वाली बातें कौन सी? देखो विशेष ध्यान देने वाली जो मुख्य बातें अगर हम बात करें तो जिस दिन आपका मेडिकल हो सबसे पहले तो आपको पूरी साफ सफाई करके जानी है अपने शरीर की, उससे उसकी वजह से कोई पॉइंट नहीं मिलता लेकिन डॉक्टर की जो मानसिकता है उस पर काफी प्रभाव पड़ता है कि ये बच्चा कैसा है, ठीक है। स्पेशली पूरे शरीर पे जितने भी आपके बाल है वो काट कट के पूरा क्लीन करके जाए, साथ में आपके जो दांत है क्लीन करा ले, नाक साफ कर ले, आंख साफ कर ले या आंखें साफ करा ले आप बाहर से जो उससे करते हैं किसी डॉक्टर से, और कान इनकी अच्छे से सफाई करके फिर ही जाए, ठीक है। इनकी पूरी सफाई करने के बाद ही जाए, ऐसे ना जाए, समझ गए बात को। ये जो स्पेशली बातें हैं ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरी बात, मेडिकल कराने जाने से पहले एक बार उस दिन बढ़िया से पानी पिए या संतरा खा ले, ठीक है। तो आपका जब यूरिन टेस्ट होता है तो उसके लिए काफी फायदा होता है। ज्यादा खाना ना खाए उस दिन, इस बात का भी ध्यान रखें ताकि आपकी हृदय गति हर चीज बिल्कुल नॉर्मल आए, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और स्पेशली एक सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात, घबराना नहीं है। बहुत सारे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ होते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन घबरा जाते हैं, तो इससे क्या होती है उनकी ईसीजी में हार्ट बीट तेज आ जाती है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी है तो भी उसको आप हटा नहीं सकते और नहीं है तो पैदा कर नहीं सकते। तो इस कंडीशन में आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल काम होके रिलैक्स होके जाना है, जो होगा सो देखा जाएगा। ज्यादातर बच्चे घबरा जाते हैं, ठीक है। संतरा वंतरा खा लेना है ताकि यूरिन टेस्ट भी अच्छा हो, पानी दबा के पीते रहना वहां पर भी मेडिकल के दौरान, ताकि बीपी वीपी सब कंट्रोल में रहे, अच्छे से रहे, अच्छी नींद लेके जाए ताकि आपका जो भी मेडिकल उस दिन पूरे तरोताजा होके जाए, ठीक है। ये विशेष ध्यान देने वाली बात। इसके बाद आपकी जो खड़े होने की पोजीशन है या वहां पर जो भी आपको कमांड मिलती है उसको पूरा ध्यान से करना, एक्स्ट्रा चटक नहीं बढ़ना, मतलब ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बोलना, जितना पूछा जाए उतना ही बोलना, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको जो पूछा जाए उतना ही बताना है, ज्यादा होशियार बनना नहीं है, ज्यादा डॉक्टर बनना नहीं है। आपको हाथ ऐसे करने का बोला ऐसे कर दो, ऐसे करने का बोला ऐसे, ऊपर करने का बोले ऊपर, नीचे करने का बोले नीचे, ज्यादा होशियारी नहीं करनी है कि आपको ऊपर करने का बोला और आपने चारों ऐसे कर दिया, ये ज्यादा होशियारी नहीं करनी है। अगर डॉक्टर उस समय किस मूड में रहता है आप ज्यादा जबान खोले लिख देगा, इसलिए साइलेंट तरीके से किसी को बिना परेशान करे अपना मेडिकल कराए, ठीक है लाडलो। जय हिंद, जय भारत।